सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल माइक जोन में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दोनों में आपका बेस्ट कौन है एंड किस में आपको एडमिशन लेना चाहिए, सारे पैरामीटर्स पर हम बात करेंगे। तो आप लोग को इस चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक कर लो। चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इन दोनों के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो आपका पटना यूनिवर्सिटी है, आप इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, स्थापना जो हुआ था 1917 का हुआ था, जो कि ब्रिटिश राज में हुआ था एंड काफ़ी पुराना है एज कम्पेयर टू आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो कि आपका एस्टेब्लिशमेंट हाल ही तो 2018 मार्च को हुआ था। सो आप लोग समझ सकते हो दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, एक बहुत ज़्यादा पुराना है, एक अभी न्यू बना है। एंड दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी में आपके 207 तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, ठीक उसी तरह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी है। एंड बात कर ले तो पटना यूनिवर्सिटी में कुछ गिने चुने कॉलेज ही हैं, जैसे कि दो आपके वुमेंस कॉलेज हैं एंड बाकी दो चार आपके मेंस कॉलेजेस हैं जिसमें एंड इधर ठीक उसके उलट आपका जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है उसमें आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं। 143 आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं एंड 27 में भी आपके कंस्टिट्यूटेड कॉलेजेस हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कितने ज़्यादा हाई मात्रा में आपका जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है उसमें कॉलेजेस हैं। अब इसी बात है इसमें कोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। सो यही था आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। दोनों का जो एडमिशन प्रोसेस है दोनों से एक दूसरे से बहुत अलग है। पटना यूनिवर्सिटी का बात कर ले तो पटना यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी में आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा नहीं है, आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। आपका 12th में जितना भी परसेंट मार्क्स आया है, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, आपका एडमिशन आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, तभी आपका एडमिशन होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है प्लेसमेंट सेल। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एंड पटना यूनिवर्सिटी का दोनों का जो प्लेसमेंट सेल है किस तरह का है, तो मैं बता दूं प्लेसमेंट सेल थोड़ा सा पटना यूनिवर्सिटी का जो है आपका अच्छा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया जाए तो। हालांकि दोनों का जो प्लेसमेंट सेल है बहुत ही वीक है। प्लेसमेंट आपको समझिए कि कुछ कुछ जगह होता है, कुछ कुछ जगह नहीं होता है। होता है भी तो बहुत बड़ा प्लेसमेंट आपका नहीं होता है, छोटा मोटा प्लेसमेंट होगा वो भी पटना यूनिवर्सिटी में होगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का बात कर लिया जाए तो आपका जीरो है। सो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लेसमेंट का इशू है, ये आपका एक मतलब इसका कौनस हो जाएगा। एंड पटना यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट थोड़ा बहुत है। सो आप लोग के लिए प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो आप लोग पटना यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ, और अगर नहीं आपको सिर्फ डिग्री कंप्लीट करना है पढ़ना है तो आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि इसमें एडमिशन प्रोसेस ईजी है। उसके बाद आपका जो मैं बात करना चाहता हूँ कोर्स एंड फीस के बारे में। दोनों का कोर्स मैंने बता रखा है, दोनों में दो एक पटना यूनिवर्सिटी में 207 तरह के कोर्स कराए जाते हैं। आपका पटना यूनिवर्सिटी का जो मेन कॉलेज है उसका मैं नाम बता देता हूँ। नंबर 1 कॉलेज पूरे बिहार का है जो पटना साइंस कॉलेज है, उसके बाद पटना कॉलेज है, उसके बाद बहुत तरह के वुमेंस कॉलेज है, पटना वुमेंस कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, बहुत वाणिज्य महाविद्यालय कॉलेज है, बिहार नेशनल कॉलेज है। सो इसके अंतर्गत आते हैं कॉलेज, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं सब कॉलेज का नाम लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पटना यूनिवर्सिटी एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कितने सारे कॉलेज है सभी का मैं मेंशन कर दूंगा। एंड फीस का बात किया जाए तो फीस जो है दोनों में लगभग सेम है, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज से, तो समझ सकते हो दोनों का जो फीस है सेम है। सो ऑन एन एवरेज मैं सारे कोर्सेज का ले लूँ तो 15,000 से लेकर 50,000 के बीच में सभी कोर्सेज, कुछ कुछ कोर्सेज तो आपको 10,000 को देखने को मिल जाएंगे। दोनों का मैं बात कर रहा हूँ, PPU प्लस PU दोनों का। सो 15,000 से 50,000 के बीच में सारे कोर्सेज हो जाएंगे, कोई कोर्स महंगा नहीं होता है। BA कर रहे हो तो सस्ते में हो जाओगे, उसके बाद अगर आप BSc करना चाहते हो तो थोड़ा महंगा रहेगा, और BCom वगैरह सब मिनिमम में 10,000 से 15,000 में आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस, किसमें पढ़ना आपको सही है, किसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, किसका रुतबा ज़्यादा होता है मार्केट में। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर उससे आप पढ़ के निकलते हो, एंड अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, पाटलिपुत्रा के हो, तो आप उससे पढ़ के निकलते हो, तो दोनों का जो रुतबा होता है अलग तरह का होता है। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जनरली वो लोग एंट्रेंस एग्जाम पास करके एडमिशन लेते हैं, तो थोड़ा मेहनत करके लेते हैं, सो उन लोग का जो रुतबा ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए। एंड पाटलिपुत्रा में तो आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, तो थोड़ा कम होता है, पटना यूनिवर्सिटी वालों का ज़्यादा होता है। एंड उससे आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ एंड मुझे कुछ ज़्यादा ही आता है। सो ये बात होती है, पटना यूनिवर्सिटी का अलग लेवल का रुतबा होता है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वैसे भी बहुत सारे कॉलेजेस जिसमें रेगुलर क्लास तक नहीं होते हैं, क्लास भी नहीं होते हैं, एंड अटेंडेंस वगैरह का तो भूल जाओ, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में डेली क्लासेस भी चलते हैं एंड अटेंडेंस भी आपको चेक किया जाता है, तो इसमें पढ़ाई भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के टीचर्स हैं एज कम्पेयर टू पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो पटना यूनिवर्सिटी इस सब में आगे चला जाता है एंड PPU जो है आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीछे रह जाता है।
एंड उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर लूँ तो पटना यूनिवर्सिटी का जो जितना भी सारा कॉलेजेस है सभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मस्त है, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लोकेशन है। आप कभी पटना के हो तो जाकर देख सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कुछ ख़राब है, इसके भी एक ऐसे कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया या आपका जो है एन कॉलेज नंबर वन कॉलेज है, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पटना यूनिवर्सिटी में भी अच्छा है। तो दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड में इसमें भी थोड़ा सा पटना यूनिवर्सिटी आगे निकल जाता है। तो पटना यूनिवर्सिटी में कम कॉलेजेस है लेकिन सभी अच्छे दिखते हैं, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कॉलेजेस है, कुछ ही अच्छे हैं, गिने चुने अच्छे हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, ऑन एन एवरेज के नीचे ही उनको रखो। एंड उसके बाद फैकल्टी की बात कर ले तो टीचर्स में भी, टीचर्स में तो कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन टीचर्स में भी आपके कहा जाता है ऐसा मतलब हुआ चला है कि पटना यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है एंड टीचर्स काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन ऐसा कहना सही भी है, वहाँ पर पढ़ाई रेगुलर होता है, लेकिन ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज में वहाँ पढ़ाई भी नहीं होता है एंड टीचर्स पढ़ाने वाले प्रेजेंट भी नहीं होते हैं। सो ये सब इनका रीज़न है कि वहाँ को सब टीचर्स अच्छे मानते हैं, यहाँ के टीचर्स को अच्छे नहीं मानते हैं। रेगुलर कोर्स करवाओगे, क्लास करवाओगे तभी तो आपको अच्छा कहेगा स्टूडेंट्स। सो टीचर्स दोनों अच्छे हैं किसी किसी डिपार्टमेंट में, लेकिन थोड़ा सा पटना यूनिवर्सिटी का ज़्यादा है, मतलब पटना यूनिवर्सिटी इसमें भी आगे निकल जाता है। एंड अगर कैंपस लाइफ की बात कर लें, दोनों का जो कैंपस है बहुत बढ़िया है, कैंपस लाइफ दोनों का इक्वल में रखना चाहूँगा, किसी को सभी दोनों के स्टूडेंट अच्छे होते हैं। एंड कैंपस लाइफ में पटना यूनिवर्सिटी में कुछ एक मतलब माइनर सा प्रॉब्लम है जो कि उसको पीछे करता है, कैंपस में उसके बहुत सारे रैगिंग चलती है, रैगिंग वगैरह आप लोग समझते होंगे, एंड थोड़े से मतलब नशेड़ी टाइप के स्टूडेंट्स वगैरह गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, सो आप लोग समझ सकते हो। लेकिन जो अपना एन कॉलेज है या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज, उसमें इतना ज़्यादा कोई ये सब नहीं है, सभी को अपने से मतलब है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन वहाँ पे सभी एक साथ रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो हॉस्टल में रहकर सब आप बिना ग्रुप बनाकर अपना करते हैं, सो आप लोग समझ सकते हो। तो पटना यूनिवर्सिटी इसमें पीछे रह जाता है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी काफ़ी आगे आ जाता है। सो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में कवर करा एंड देखा। सो मेरा कहना चाहे तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, प्लेसमेंट लेना चाहते हो, अच्छे टीचर्स से पढ़ना चाहते हो, डेली क्लासेस करने वाले लड़के हो, क्लास मिस नहीं करना चाहते हो, सो आप लोग पटना यूनिवर्सिटी की तरफ देख सकते हो, उसमें एडमिशन ले सकते हो, उसका एंट्रेंस एग्जाम देकर। लेकिन अगर आपको सिर्फ डिग्री करना है और पढ़ना है थोड़ा बहुत, जैसे कि एन कॉलेज एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आपका क्लासेस चलता है, बाकी कॉलेजेस का मैं नहीं गारंटी लेता, उसमें कॉलेज में क्लासेस चलते हैं, तो आपको पढ़ना है, प्लेसमेंट को नहीं देखना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, डिग्री कंप्लीट करना है किसी भी तरह से, सो आप लोग इसमें भी जा सकते हो। ये भी अच्छा कॉलेज है दोनों, कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड एन कॉलेज, एंड दोनों का मैंने वीडियो बना रखा है कैसा दिखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब अभी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, कॉलेज टूर करके एक प्लेलिस्ट होगा उसमें आप लोग जाकर चेक कर सकते हो, एंड डिग्री आप लोग दोनों से कंप्लीट कर सकते हो। एंड दोनों में आपके वोकेशनल टाइप के कोर्सेज भी होते हैं, सभी तरह के कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल टाइप के जो कोर्सेज होते हैं वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में भी सेम है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर कोर्सेज है उसका भी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी कुछ इंक्वायरी बच गया होगा तो आपको कमेंट में कमेंट कर देना है। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।